यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करने का मेरा सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये देशहित की चीज है। देखिए, चाहे आपकी आइडेंटिटी कुछ भी हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, या आपका कोई भी कास्ट हो या जेंडर हो, आपका जो फ्यूचर है वो वही होगा जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है। हिंदुस्तान के फ्यूचर के साथ आपके उस का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। तो हम ये हर एक इंडिविजुअल का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोचना कि किस तरीके से वो देश को मजबूत बना सकता है और साथ मिला सकता है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। दूसरा, जो यूसीसी के बारे में बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है कि अगर यूसीसी से लॉ बन गए तो ये पता नहीं किस तरह से एंटी मुस्लिम या एंटी वो हो जाएंगे। अरे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो तो सारी अच्छी बातें लिखी है ना, दैट इज अबाउट फेयरनेस, जेंडर इक्वेलिटी, वो क्यों आपके मजहब के खिलाफ होगी? आपके मजहब के जो रिचुअल्स हैं वो आपको कोई नहीं मना कर रहा। यही होता है ना, हमारे एक परंपरा है, एक रिचुअल है, एक शादी करने का तरीका है। बात यहाँ सिर्फ लीगल लीगल एस्पेक्ट की हो रही है कि क्या लीगल जो हमारा लॉ फ्रेम है वो सारे इंडियन पे एक जैसा अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। प्लस ये बहुत बड़ा, आई वुड से कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है विमेन इक्वालिटी का, क्योंकि अलग अलग समाज में आप कब तक रिफॉर्म करेंगे? अभी तक हिंदू समाज के अलावा बाकी भी में हुआ है, बट थोड़े बहुत रही जाते हैं आप हमेशा देखेंगे। तो जब तक आप ये पर्सनल लॉ में रिफॉर्म करने की बात करेंगे, बहुत मुश्किल है, होता है, बहुत लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ती है। दूसरा, समाज वक्त के साथ जब बदलता है तो फिर अगर हमें उस लॉ में अमेंड करना है तो अगेन रिस्पेक्टिव सोसाइटी के जो एलिमेंट हैं, जो कंजर्वेटिव एलिमेंट हैं, वो हमेशा खड़े हो जाते हैं, राइट? तो जब हम बोलेंगे कि लॉ में धर्म का कोई भी लेना देना नहीं है, लॉ बेसिस है कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो उनको बोलने का वहां पे आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो यूसीसी मेरे हिसाब से तो एक, अगर हम सच में हिंदुस्तान का भला चाहते हैं और एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो हमें यूसीसी का सपोर्ट बिना किसी कंडीशन के करना चाहिए। बट यूसीसी के ड्राफ्ट में मैं चाहती हूँ कि दो तीन चीजें और भी डाली जाएं। इसमें जो बच्चे हैं 18 से प्लस से जो छोटे हैं उस पे स्टेट का ज्यादा राइट इन द सेंस कि जो बच्चे हम बाहर देखते हैं खेलते हुए उनको उठा करके स्टेट डाल दे स्कूल्स में, इस तरह के कुछ राइट्स भी, इस तरह के कुछ लॉज भी उसमें डाले जाने चाहिए ताकि हमारी जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो प्रोटेक्ट हो। Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit CITTI.net. Dhanyavaad. Namaskar.